ऐसे आयोजन कई राज्यों में होते हैं और कई 15% कई 20% मुश्किल से आता है इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कब 25 हो जाओ। हमने इस बार जो नई पॉलिसी अडॉप्ट करी है कि पहले ही एमओयू साइन कर लिए, वरना इवेंट के दौरान एमओयू साइन होते हैं, इवेंट के बाद भी होने लग जाते हैं, खाली आंकड़े बताने के लिए। जैसा पिछली सरकार में हुआ था, हम लोगों ने बकायदा पहले लगभग 11 लाख करोड़ के हमने एमओयू जारी कर दी या एग्रीमेंट कर दिए। अब मैं समझता हूँ कि अगर जो माहौल बनाया गया है और माहौल बना है, क्योंकि जो हमने कोरोना के बाद में जो स्टेप उठाए हैं उससे इन्वेस्टर बहुत प्रभावित है। हमने कोरोना काल के अंदर भी उनको सुविधाएं दी जिससे कि वो अपना उद्योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकें, क्योंकि कोरोना काल में तो कर्फ्यू भी लगा हुआ था, सब कुछ था। कोरोना के बाद में एमनेस्टी स्कीम लाए हम लोग, इंटरेस्ट फ्री करने की बात हो, पेनल्टी फ्री करने की बात हो, बल्कि कई जगह प्रिंसिपल अमाउंट तक फ्री किया गया। कि तमाम तरह की जो स्कीमें लाए गए एमनेस्टी के अंदर उसका भी इम्पैक्ट रहा है।